यह दलील बिल्कुल वाजे है कि अंडा मुर्गी से पहले आया था। न सिर्फ चंद साल या सदियों पहले बल्कि लाखों साल पहले मुर्गियों के वजूद में आने से बहुत पहले जानवर अंडे दे रहे थे। अंडे एक तौलदी तरीका है जो बहुत सी अकसाम में पाए जाते हैं, जैसे मछलियाओं, एम्फीबियन, जिन जानवरों की जिंदगी पानी और खश्की दोनों पर गुजरती है, और रेंगने वाले जानवर और बालाखर परिंदे। सबसे पहले जो अंडे खश्की पर बच सके यानी अम्नियोटिक अंडे, एम्नियोटिक एग्स, तकरीबन 31.2 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस दौर, कार्बोनिफेरस पीरियड में जाहिर हुए। इन अंडों में हिफाजती खोल होता था जो जनीन को एक महफूज और गजाई माहौल में नशोनुमा करने देता था, बगैर इस खतरे के कि वह खश्क हो जाएगा या सख्त बैरूनी हालात का शिकार हो जाएगा। यह इर्तिकाई ईजाद वही है जिसने जिंदगी को पानी से खश्की पर फैलने के काबिल बनाया। लिहाजा अंडे देने का बुनियादी हयातियाती अमल न सिर्फ मुर्गियों बल्कि परिंदों से भी बहुत पहले मौजूद था। जब हम मुर्गियों की बात करते हैं तो दरअसल हम एक घरेलू कस्म की बात कर रहे हैं, जिसे साइंटिफिक तौर पर गलस गैलस डोमेस्टिकस कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के रेड जंगल मुर्ग, रेड जंगल फाउल, गैलस गैलस की नस्ल से है। पालतू बनाने का अमल तकरीबन 7000 से 10000 साल पहले शुरू हुआ, जब इंसानों ने खास खसूसियात जैसे साइज और अंडे देने की पैदावार के लिए जंगल मुर्गियों को पालना शुरू किया। लेकिन इंसानों की मुदाखलत से पहले भी ये परिंदे और इनके आबाओ अजदाद लाखों सालों से अंडे दे रहे थे। आज जो घरेलू मुर्गी हमें मालूम है वह हजारों सालों के इंसानी मुंतखिब अमल का नतीजा है। इस तारीखी हकीकत से ये बात वाजह होती है कि यहाँ तक कि मुर्गियों के ब्राह रास्त आबाओ अजदाद भी अंडे दे रहे थे बहुत पहले इससे कि मुर्गी का तसव्वुर भी मौजूद होता। लिहाजा अंडे देने का अमल इर्तिकाई और घरेलू दोनों लिहाज से मुर्गियों से पहले था। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहली मुर्गी से क्या मुराद है। इर्तिका एक तदरीजी अमल है जो मामूली जीनियाती तब्दीलियों के जरिए होता है, जो वक्त के साथ साथ जमा होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक किसी गैर मुर्गइनी ने अंडा दिया और जैसे जादू हो पहली मुर्गई नमूदार हो गई, बल्कि यह ज्यादा दुरुस्त है कि एक ऐसी मखलूक जो मुर्गी के बहुत करीब थी, जिसे हम प्रोटो मुर्गी कह सकते हैं, ने अंडा दिया। तौलदी अमल के दौरान जीनियाती तब्दीली, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस अंडे से निकलने वाली औलाद वही होगी जिसे हम आज मुर्गी के तौर पर पहचानते हैं। इसका मतलब यह है कि पहली मुर्गी वाला अंडा खुद मुर्गी से पहले मौजूद था, जो जीनियाती विरासत, तब्दीली और इर्तिका की नौयत के बारे में हमारे इल्म से मुताबिकत रखता है। फॉसिल रिकॉर्ड पर मजीद तहकीक इसको मजीद मजबूत करती है। आर्कियोप्टेरिक्स की दरिया जो परिंदों के कदीम तरीन नमूनों में से एक है, ये सबूत फराहम करती है कि गैर परिंदों वाले डायनोसार्स से परिंदों की मुंतकली तदरीजी थी। आर्कियोप्टेरिक्स तकरीबन 15 करोड़ साल पहले जिंदा था और इसमें परिंदों और रेंगने वाले जानवरों दोनों की खसूसियात मौजूद थी, जिनमें पर, पंख और पंजे शामिल हैं, लेकिन साथ ही दांत और एक लंबी हड्डियों वाली दुम भी थी। इस दरियाफ्त ने कदीम डायनोसार्स और जदीद परिंदों के दरमियान खला को पुर करने में मदद दी और ये जाहिर किया कि परवाज की सलाहियत और दीगर परिंदों जैसी खसूसियात मुर्गियों के जाहिर होने से बहुत पहले ही इर्तिका पजीर थी। मजीद बरतर चीन में हालिया फॉसिल दरियाफ्तें, जिनमें क्रिटेशियस दौर, क्रिटेशियस पीरियड के पर वाले डायनोसार्स शामिल हैं, इस बात को मजीद ताकत देती हैं कि परिंदे थेरोपोड डायनोसार्स, थेरोपोड डायनोसार्स से इर्तिका पजीर हुए, जो दो पैरों पर चलने वाले ज्यादातर गोश्तखोर डायनोसार्स का ग्रुप है, जिसमें मशहूर टायरोनोसार्स रेक्स, टायरोनोसॉरस रेक्स भी शामिल है। इन थेरोपोड्स में से बहुत से जानवरों के पर थे और वो अंडे देते थे, जो गैर परिंदों वाले डायनोसार्स से जदीद परिंदों तक की एक वाजह नस्ल दर नस्ल मुंतकिली को जाहिर करते हैं। ये दरियाफ्तें अहम हैं क्योंकि ये जाहिर करती हैं कि पर, परवाज और अंडे देने जैसी बहुत सी खसूसियात जो हम जदीद परिंदों से मंसूब करते हैं, उनके डायनोसार्स आबाओ अजदाद में पहले से मौजूद थी। इसका मतलब है कि अंडे बतौर तौलदी हिकमत ए अमली लाखों सालों से मौजूद हैं। एक माहिर हयातियात ने वजाहत की है कि तब्दीलियां, म्यूटेशंस, इस मसले को समझने की कुंजी है। वो जीनियाती तब्दीली जो पहली मुर्गही को पैदा करने वाली थी,
अंडे के अंदर होनी थी, क्योंकि ये वो जगह है जहां वालिदैन के डीएनए एक साथ मिलते हैं और औलाद की तश्कील करते हैं। ये वजाहत इस मामे को इस तरह हल करती है कि पहली हकीकी मुर्गई जीनियाती लिहाज से एक अंडे का नतीजा थी, जिसमें तौलदी अमल के दौरान होने वाली तब्दीलियां शामिल थीं। इसका मतलब है कि जीनियाती विरासत के नुक्ते नजर से वो अंडा जिसमें पहली मुर्गई थी, मुर्गी के वजूद में आने से पहले होना जरूरी था। कदीम दौर में फलसफी जैसे अरस्तु भी इस सवाल पर गौर कर चुके हैं, अगरचे उनका नुक्ताए नजर बहुत मुख्तलिफ था। अरस्तु का मानना था कि मुर्गी और अंडा दोनों हमेशा से मौजूद थे एक चक्कर में, और ना एक दूसरे से पहले आया ना बाद में। ये उनके साखित और गैर मुतगैर कायनात के नजरिया की अक्स बनाता है। उनके नजदीक कोई वजह पहली वजह नहीं थी, दोनों हमेशा एक मुसलसल चक्कर में मौजूद थे। ये नजरिया दिलचस्प है, मगर वो साइंटिफिक समझ नहीं रखता जो आज हमारे पास इर्तिका और जीनियात के बारे में मौजूद है। जदीद साइंस ने इस जामिद अबदी चक्करों के तसव्वुर को रद्द कर दिया है और इसकी जगह कुदरती इंतिखाब और जीनियाती तनव्वो से चलने वाले एक मुतहर्रिक और मुसलसल बदलते हुए जिंदगी के तसव्वुर ने ले ली है। अगर हम इसे जदीद फलसफियाना नुक्ताए नजर से देखें तो ये बहस गहरे सवालात को जन्म देती है कि हम वजह और असर, कॉज एंड इफेक्ट को कैसे समझते हैं और हम इब्तिदा को कैसे तसव्वुर करते हैं। एक लिहाज से ये सवाल कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा, न सिर्फ हयातियात के बारे में है बल्कि इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हम असल को उन्मूमी तौर पर कैसे देखते हैं। ये हमें इर्तिका जैसे अमल के बारे में सोचने की दावत देता है जो सादा और साफ जवाबात नहीं देते। ये सवाल सतह पर मामूली मालूम हो सकता है, लेकिन दर हकीकत ये जमीन पर जिंदगी के इर्तिका और तब्दीली के बारे में गहरे सवालात को छूता है।